शुरू हो रहा है शाम 4 बजे से 3:30 बजे गाय कह रही हूँ गाय आ रही है ना ईद के बाद तो गाय आएगी तो 3:30 बजे जो है गैस आई थी तो उसके बाद जो है हम लोग किचन में आ गए थे प्याज वगैरह मैंने ब्राउन करके रख दिया था क्योंकि आज जो है हमने थोड़ा सा इंतजाम किया है इफ्तारी बांटने का और मतलब कि बाहर जाएंगे हम लोग बना के और लोगों में जो है इसको बांटेंगे तो इसके लिए जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ चनों की बिरयानी और मैंने कोशिश की है कि 4 से 5 किलो जो है वो यहाँ पे बिरयानी जो है मैं घर में बना सकूँ तो मैं जो उसी की प्रिपरेशन में जो है लग गई हूँ जल्दी जल्दी करके फिर इसको पैक करके बांटने में निकल रहे हैं। चले फिर वीडियो को नहीं किया लाइक जल्दी से कर लीजिए, लाइक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए, सब्सक्राइब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखें प्याज जो है ब्राउन करने जो है हमने चढ़ा दिए और चनों की बिरयानी में आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है चीज़ें नहीं डलती हैं, नॉर्मली वे में चीज़ें डलती हैं और मैं होममेड बना रही हूँ तो सारे मसाले मैं निकाले थे। मिर्ची मैंने कम रखी है क्योंकि आजकल मम्मा को ना बिरयानी में मिर्ची बहुत तेज़ लगती है, उनसे खा ही नहीं जा रहा है खाना तो इसलिए मैंने मिर्ची थोड़ी कम रखी है। बाकी ये सारे सामान जो है मैंने रखे हुए हैं, चने जो है मैंने सुबह फजर के टाइम ही उबाल लिए थे, पुदीना मैंने कट करके रखा हुआ है और बस तैयारी करते हैं। बहुत ज़्यादा लग रहा है, यकीन मानिए बाहर निकलते हैं तो कोई भी जैसे अजीब मतलब पुरसार सा आदमी जो आपके पास आने लगता है ना देख के बिल्कुल दिल जो है डर सा जाता है कि पास आ रहा है तो बहुत डर लगता है। और मुझे ये कहना था कि हाँ आपकी शॉपिंग जो है मैंने कल इंस्टाग्राम की स्टोरी पे देखा, मुझे तो आपकी दोनों शर्ट के कलर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आए, अच्छी बात है आपने जो है शॉपिंग कर ली क्योंकि ईद की शॉपिंग तो खैर करनी चाहिए, हमें भी जाना है हम जाते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आप वीडियो देखते हैं कॉमेंट करते हैं और मुझे यहाँ पे कहना था सैमा फैजान थैंक यू सो मच फॉर कॉमेंट। और अभी मैं हवल दस्ते पे थोड़े मसाले और मम्मा यहाँ पे चावल बना रही है और मैं यहाँ पे कोरमा रेडी कर रही हूँ। मम्मा ये कितने चावल होंगे? ये 3 किलो है। अच्छा 3 किलो चावल और 1 किलो चना और बाकी सब मेरे 4 किलो तक की बिरयानी बन रही है अगर इस तरीके से किया जाए तो। अच्छा इस तरह से करके मैं यहाँ पे अपने आप को कोई बहुत हरफन मौला नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं एकदम 5 ही किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ तो मैंने 5 किलो की भी अपनी लाइफ में बिरयानी जो बनाई है ना अम्मा जी 5 किलो की भी तो बनाई है ना ख्वाजा बाबा के जो कर रहा था एक दफ़ा देख हमने किया था तो वो मैंने फिर पापा देख लाने शुरू हो गए थे अब तो घर लाते ही नहीं है तो वही मैंने घर में 5 किलो बनाई है लेकिन अभी जो है अभी टोटल जो इस तरह से करके 5 किलो हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे बन चुका है और अब जो इसमें चने जो है ऐड हो रहे हैं इस तरह को आ रहा है ना तो मेरी चलो इस तरह से कर लेते हैं। ओहो चले ये ऐड हो गया चने और बस इसको मिक्स करना और दिखाओ थोड़ा पुदीना मैं अंदर ऐड करूँगी बाकी पुदीना मैं ऊपर से डालूंगी तो ये करने के लिए ये हो गया। मम्मा इमली भी अभी डाल दूँ ना साथ ही अभी डाल दूँ साथ ही ये देखो कह रही है देखो मेरा कुरमा बनना बता रही है कुरमा में खिलाएगी अभी ये इमली भी डाल दी है और इसको जो है मिक्स कर लेते हैं साथ ही साथ अब मैं इसमें डालूंगी नमक। देखें भाई चावल हो गए मामा कह रही हैं अभी ये और ज़रा खिलेंगे अभी थोड़ा पानी है अंदर मामा थोड़ा पानी है। अच्छा मामा ने चावलों को ना पानी खुश करके बनाया क्योंकि फिर ना ऐसा पानी फेंकने में बड़ी मुश्किल होती है हम लोग को तो इसीलिए जो है इसको 3 किलो पानी ना मैं फेंक नहीं सकती इतनी हाथ में मेरी ताकत अभी ये और फूल जाएंगे ना ऊपर तक आ जाएंगे ये अपना वो डालना है चना डालना अब डाल देना है चने अब तक लगाते हैं। अरमान हसन जी हाँ आप जो हैं वो पराठे जो हैं डाल्डा घी वाले ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइएगा कैसे हैं क्योंकि मैंने जो है ट्राई नहीं किया है बस जी वीडियो बनाई है देखी और उनके मुंह से सुना है कि भाई ये बन रहे हैं पराठे तो आप जो है मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो है पराठे जो हैं वो कैसे हैं। और यहाँ पर जो है अब बिरयानी जो है रेडी हो चुकी थी और इसकी जो है जल्दी जल्दी से तैयार लग रही थी और हम तीनों जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए थे बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। मामा ने पहले सोचा कि 2 डेक्चियों में लगाते हैं लेकिन फिर जो है बड़ी सी डेक्ची में जो है मामा ने कहा एक ही जगह लगा लेते हैं। और मुझे यहाँ पर कहना नगरेश खान भाई तुम नहीं परेशान हो नहीं डरो तुम्हारे जो हस्बैंड हैं वो तो कराची में ही है ना तो उन्हें पता होगा कौन सा एरिया कैसा है। अब जाहिर सी बात है हम ये बेचारे जो हैं फूड पांडा वाले राइडर्स ही को ज़्यादा टारगेट कर रहे होते हैं ना ये लोग तो बेचारे रात देर रात इनको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं खाने के तो इन्हें निकलना होता है तो बस ये इनको पकड़ लेते हैं और ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। बाकी ये कि ये रमज़ान का सीज़न तो होता ही ऐसा तो ये रमज़ान है बकरीद है इसमें जो है हमें खुद जो है हम लोग एहतियात कर लेते हैं और देखो नहीं निकलते कहीं दूर नहीं जाते हैं और लेट नाइट तो वैसे ही जो है लेडीज़ वगैरह नहीं निकलती हैं तो बस इस चीज़ से डरो वरो नहीं सब सही है बस अल्लाह पाक जो है सही कहा तुमने सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें आमीन सुम्मा आमीन। और गेम चेंजर भाई तुम्हारी इस बात से मुझे बहुत हंसी आ रही है
तुमने सही कहा कि वो बच्ची नहीं है, बिल्कुल नहीं है बच्ची। और ये बच्ची कहने का मकसद जो है मेरा बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं उसको उम्र में छोटा बोलूँ, बच्चे के उसको बच्ची कहने का मकसद मेरा ये था कि मतलब हमारी बच्ची है ना, घर में सबसे छोटी है, मुझसे छोटी है, मेरी छोटी बहन है, तो मैं तो उसको डॉल की तरह उसके साथ खेलती हूँ। बाकी एक उम्र में वो पूरी है, वो बस मुझसे पौने दो साल छोटी है, नहीं तो वो पूरी है, उसको सारे काम आते हैं, वो मतलब बड़ी लड़की है, वो बच्ची वाकई में नहीं है। सही कहा। और ये भी तुमने सही कहा कि उसको जो है समझ जाना चाहिए, समझ जाएगी वक्त के साथ साथ ना। यहाँ पर जो है तय लग चुकी है बिरयानी और बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। दिव्या सरोज थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। मोहम्मद तुमर कल आपका कमेंट आया था, मिस हो गया, थैंक यू। सभी का सभी की हाँ टेस्ट आएगा ना, सबका हाथ लगवाया इसमें, सबका हाथ उठाओ, चलो 1 2 3 1 2 3 1 सभी का खान पहलवान पे उठा लिया, सभी का पहलवान उठा लिया, ये देखे चूल्हा ही खिला दिया सभी का, जरा अपने मसल्स को दिखाओ यूं यूं करके जिसे तुमने उठाया है। सभी का जो है ना अपनी अम्मा की तरफ से तो खान है, हाँ तो बस आज ऐसे अपना खान पर नहीं दिखाया है ना। इतनी देर हो गई, दम लगे हुए और सब 5 बज चुके हैं और मेरे मामा से पूछे मामा क्या करना है, स्लो हीट कर देनी है, मिक्स करना है, क्या करना है? ये रही माय ब्यूटीफुल मम्मा, क्या करना है अब, मिक्स करना है, इसको मिक्स करो स्लो हीट पे करके अब पैकिंग शुरू करो। अब पैकिंग शुरू करूँ, चल यहाँ पे जो है ट्राईपॉड को साइड पे करते हैं और ये काम बहुत था, मैंने कहा चलो ट्राईपॉड पे लगा के दिखा देते हैं आप लोगों को, हम लोग लग जाते हैं मिक्सिंग में। और क्या करना है इसको स्लो करके मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं, चलिए मिक्सिंग करते हैं। बिरयानी जो है बन चुकी थी और इतनी मज़ेदार किस्म की खुशबू आ रही थी। पहले हमने सोचा कि मैं जो शान बम्बई बिरयानी से जो है ना मसाले से बना लेती हूँ, लेकिन फिर मामा ने कहा कि नहीं ये चने की बिरयानी बन रही है ना, तो इसको तो है भाई तुम घर के ही मसाले से बनाओ तो वो अच्छी बनती है, क्योंकि चने की बिरयानी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हेवी मसाले से नहीं होती, और शान का जो बम्बई बिरयानी है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है। और यहाँ पर जो है अब मैं इसको तसले में निकाल रही थी, मामा कह रही थी कि इसको तसले में जो है निकालते जाओ और साथ ही साथ जो है फिर जैसे जैसे इसकी हीट निकलती जाएगी इसको जो है हम लोग शॉपर में जो है वो पैक करते जाएंगे, क्योंकि टाइम रहते ही मैं और सभी का मुझे और सभी का को जो है वो नीचे जाना था और फिर सबको बांट वगैरह के हमें जो है घर वापस भी आना था। यहाँ पे देखें लग रही है ना मज़ेदार, कमेंट में जो है ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है, मुझे तो बहुत मज़ेदार लग रही है। इसको जो है पैक करते जा रही हैं और जल्दी जल्दी, और सभी का की भी मदद यहाँ पर दरियाफ्त हमने कर ली है, ये आ गई ब्यूटीफुल सभी का। आप क्या करेंगी, आप भी पैक करेंगी, आप बांधती जाएंगी, रबर है मामा रबर है, सभी का भी बांध रही है मामा। मामा थक गई आप? नहीं नहीं, अभी इसके बाद कुछ इफ्तारी बनाएंगे या यही हो जाएगा आज? नहीं नहीं, फ्रूट चाट बनाएंगे, आज सभी को दे रहे हैं बांधने के लिए। ऐसे तो पापा ने कहा था कि 50 से 60 लोगों का जो है इंतज़ाम करना, लेकिन अब यहाँ पे जितने पैकेट्स बन पाएंगे उतने पैकेट्स बना लेंगे और थोड़ा जो है घर के खाने के लिए रखेंगे, क्योंकि जो हम बांटेंगे जो हम दूसरों को खिलाएंगे वही हम जो है घर में भी खुद खाएंगे। और यहाँ पे जो है बिरयानी सब पैक हो गई है, अब इसको शॉपर में करके मैं और सभी का जो है अब लेके निकलने की करते हैं। चलो ये बड़ा शॉपर ढूंढ रहे हैं और घर के लिए जो है इतनी सी रखी है और ये बस घर, क्योंकि जो बांट रहे हैं वही हम घर में भी खाएंगे तो घर के लिए हमने ये रख ली है, बाकी मैं बांट के आती हूँ। जो है पैक हो चुके हैं तो 20 थैली इसमें रखवाइए मामा, 30 थैली इसमें रखवाइए, 20 इसमें रखवाइए मामा ने। और चले अब मैं और सभी का जो है निकलते हैं। और ये रही सभी का, इस तरह से इनका गेटअप है, मैं भी अपना दिखा देती हूँ लोग आपको, मैंने भी जो है इस तरीके से मैं रेडी हुई हूँ। और चले फिर इफ्तारी बांट के आते हैं, वो ये बांट के आते हैं। और ये पैसे भी मैंने ले लिए हैं, कुछ सामान वगैरह वापसी पर लेते हुए आना है और अब हम लोग निकलते हैं। शाम का ये वक्त है और अच्छा खासा जो है वो रश लगा हुआ है और सब जो इस तरह से सेलिंग वगैरह हो रही है। चले जी देख लें क्या ज़बरदस्त है। ये पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा रश जो है वो खालिद बेकरी में लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मुफ्त में कोई सामान वगैरह खालिद बेकरी में मिल रहा है। तो अभी जो मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, मैंने सोचा कि मैं वापसी पे जो है खालिद बेकरी की वीडियो बनाते हैं आपको, क्योंकि इस वक्त जो है सभी का थोड़ी टेंशन में आ गई थी, अलमारियाँ किसको दें किसको दें, लेकिन फिर अचानक ही जो है हमें रास्ते मिल गए, एक के बाद एक होता है उधर दे दीजिए उधर दे दीजिए और फिर आसानी से हो गया सारा काम। बस एक रहती है, सभी कह रही है बस एक रहती है, चलो निकल जिसके नसीब को से मिल जाएगी, खत्म हो गया, अब हम लोग जा रहे हैं ज़्यादा खालिद बेकरी के पास, आपको रश दिखाते हैं। देख लें खालिद के पास वही रश, करीब से नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ख़वातीन खड़ी है ना फिर अच्छा नहीं लगता है, ब्लर क्यों हो रहा है, नहीं सही है। तो ये देख लें रश जा रहे और बस चलते हैं, और जो सामान अभी लेना है थोड़ा, कल इफ्तार पार्टी घर में करवा दूँ सबको,
बस हो गया फिर। इतने प्यारे प्यारे ईद मुबारक कार्ड है, मैं सोच रहा हूँ ये वाला ले लूँ और सबिका को दूँ। ये सबिका जो तुम पेमेंट करो ना, और सबिका को ना मैं इसमें ईद ही दूँ और निकाल के फिर वापस लेके इसको दोबारा रख दूँ अगले साल के लिए। ये कितने प्यारे प्यारे से जो है खैर खैरियत से घर आ गए और सब कुछ जो है बहुत अच्छे से हो गया। और मतलब हमें टेंशन हुई थी कि कहाँ बांटेंगे कहाँ बांटेंगे, लेकिन लोग खुद ही आते रहे और चीज़ें जो है बस आसानी से काम निपट गया। और अभी जो है यहाँ पे मम्मा ने फ्रूट चाट हमारी तारी के लिए बना के रखा है, बस थोड़ा सा हम लोग फ्रूट चाट खाएंगे, चाय पियेंगे, टैप 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 और रोज़ा खोलेंगे। और अभी मम्मा कह रही है कि पड़ोस में दे आओ, फिर अच्छा नहीं लगता कि पड़ोसियों का हक तो पहले बनता है। बहुत मेहनत की, अच्छा ये टेंशन में हमारी कहाँ देंगे, हमारी अच्छा, कहाँ देंगे इसको ना टेंशन होने लगी। यहाँ पे दर्द उठना शुरू हो गया, हमारे कहने की टेंशन में होना शुरू हो गया, मेरे को पता नहीं टेंशन होता है ना? दोनों थैले मुझे पकड़ा दिए इसने, मुझे गधा बना दिया। स्ट्रेस भी होता है ना कि आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, गधी हो मम्मा कह रही है गधी है, तो एक टेंशन स्ट्रेस होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ख़त्म करके आना है। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के सब कुछ आराम से ईजली बहुत ईजी हुआ है। हम इतना मुझे लग नहीं रहा था, हमें बहुत मुश्किल लग रही थी लेकिन बहुत आसानी से। चलिए मैं पड़ोस में लेके आती हूँ। मम्मा ने कहा थोड़े से फ्रूट्स रखे हुए हैं बस, मैंने बना दिया, तुम लोग ज़्यादा लड़ना नहीं हो। देखे मम्मा ने सबका पार्टीशन भी कर दिया, देखे मम्मा मेरी पार्टीशन मास्टर है। ये देखे भाई मम्मा वो उसको रखें ताकि लगे ना कि हाँ पांच प्याले तैयार हुए, पांच देखे माशाल्लाह तैयार हुए। मम्मा ने कहा ये सब खा के हमारे घर किसी के एक गुलाब जामुन आएगा उसमें भी मैं पाँच हिस्सा लगा। हाँ सुन लिया आप लोगों ने, तो अभी चाय पी के रोज़ा खोलेंगे फिर बिरयानी खाई से मामा दे दें पड़ोसों के लिए। ये देखिए मैंने अब ले लिया तो नेबर के देती हूँ, बाकी मामा कह रही हैं कि अभी इतनी तो नहीं हुई है तो बाकी जो है फिर पार्टी। मामा कह रही है कल इफ्तार पार्टी है हमारे घर में, तो फिर कल वाली इफ्तारी कवर कर दें, फिर कल वाली इफ्तारी से जो है बाकियों के दे देना आज, मतलब ये बराबर वालों के दे के आती हूँ। चले मैं इनको दे के आते हैं। चले अब जो है हम दोनों आगे आ जाओ, इधर आ जाओ ना। और कल के आज का जो है सब खैर खैरियत से जो है हो गया और अब बस इफ्तार का इंतज़ार है। और कल जो है कल अब तक जो रमज़ान में मैंने टेबल सजा की, प्रॉपर पार्टी जो होती है वो सिर्फ दो गलत बार दी है ना, दो या तीन बार दी है। और कल पार्टी है, कल बस लास्ट करके तीन चार दफ़ा हो जाएगा, क्योंकि रोज़ 30 दिन तो दस्तरखान नहीं सज सकता है भाई। तो कल मैं इन लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के अपने स्टाइल में इफ्तार पार्टी दे रही हूँ कि मैं क्या क्या बना रही हूँ। मैं कल सब कुछ बनाऊँगी, बहुत सारी चीज़ें बनाऊँगी कल, और वो हमारा स्टाइल होगा। चले जी इसी के साथ ही जो है वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। और हम लोगों का फेसबुक इंस्टाग्राम टिकटॉक करने हमें फॉलो, इंस्टाग्राम पे हर अपडेट आ रही होती है उसी वक्त। और इसी के साथ इजाज़त दीजिए, टिकटॉक कौन बोलेगा रखिएगा, टिकटॉक बोला फेसबुक टिकटॉक इंस्टाग्राम कर दीजिए और इजाज़त दीजिए, साथ बोल लिया इजाज़त दीजिए। नौ में याद रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।